टेक्स्ट ने लिखा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी, नाइट्रोजन और बिस्मत लिखा है टेक्स्ट ने, मगर मैं बोलता हूँ खाली बिस्मत, बिस्मत के बगैर ये सभी शो करते हैं क्या, एलोट्रॉपी। एक्सेप्ट बिस्मत ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 शो क्या, एलोट्रॉपी, दैट मीन्स दे एग्जिस्ट मोर देन वन डिफरेंट फॉर्म्स। तो नाइट्रोजन की भी एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है, मगर टेक्स्ट ने मेंशन किया इसमें नहीं होती है, मगर इसमें होता है अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म होती है इसमें भी, तो वो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये भी आपने समझ लिया, आप नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवलेंस कितनी होती है, वो चार ही होती है। क्यों होती है चार ही, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, और जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होती है उनकी मैक्सिमम कोवलेंसी 4 से ज़्यादा हो सकती है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये भी मैंने समझाया कि ये क्या एलोट्रॉपी शो करते हैं, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं, ये सारा मैंने बताया, ऑक्सीडेशन स्टेट का मैंने कंसेप्ट यहाँ पे आपको समझाया। तो ये सारा आपको समझना है ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर यहाँ पे समझाया, जो एंगल होता है ये 60 डिग्री एंगल होता है, तो ये आपको यहाँ पे समझना है। एलोट्रॉपी की भी बात हुई। अब कैटिनेशन, जो कैटिनेशन होते हैं, ये कैटिनेशन भी शो करते हैं। सबसे ज्यादा पीरियाडिक टेबल में जो कैटिनेशन शो करते हैं वो है कार्बन। कार्बन इज द मो इज द एलिमेंट विच शोज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कैटिनेशन। जब यहाँ पे देखते हैं ग्रुप 15 में, तो ग्रुप 15 में फास्फोरस शो करता है क्या, शाबाश, कैटिनेशन। तो नाइट्रोजन उतनी टेंडेंसी नहीं शो करता है जितना कौन करता है, जितना फास्फोरस शो करता है। यहाँ पे आपको याद रखना है ये ग्रुप 15 एलिमेंट्स कैटिनेशन भी शो करते हैं, मगर उसमें सबसे ज़्यादा कैटिनेशन कौन शो करता है, फास्फोरस कैटिनेशन शो करता है, नाइट्रोजन नहीं शो करता है उतना, वो लिटिल टेंडेंसी शो करता है, क्योंकि वो अगर कभी कभार टेंडेंसी शो करेगा भी, वो एन एन सिंगल बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, इसलिए ये एन एन सिंगल बॉन्ड मैंने अभी बताया आपको, ये वीक होता है, इसलिए ये कैटिनेशन शो नहीं करता है। कैटिनेशन के लिए सिग्मा बॉन्ड क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए फॉस्फोरस इसमें क्या कैटिनेशन शो करता है। ये थी कुछ प्रॉपर्टीज। तो जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा एक तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ क्या नाइट्रोजन, और दूसरा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। हो आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।